वेलकम फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट टुडे में आपका स्वागत है। आज है 22 दिसंबर और 22 दिसंबर से संबंधित संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार इस प्रकार रहने वाले हैं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और सुनिए 22 दिसंबर के संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार। दोस्तों, इसे हम डेली रोजगार एक्सप्रेस भी कह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपके लिए ले आता हूँ संपूर्ण जो राजस्थान के रोजगार से संबंधित समाचार है, चाहे वो पटवारी से संबंधित समाचार, राजस्थान पुलिस, फर्स्ट ग्रेड, रीट, व्याख्याता, किसी से भर्ती से संबंधित कोई भी सूचना हो, यानी किसी भी विभाग से संबंधित सूचना हो, राजस्व मंडल से हो, चाहे RSM, SSB, RPSC, किसी से भी संबंधित हो, तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और सुनिए संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार। दोस्तों, अगर ये डेली आपने सुन लिया तो आपको पेपर जो पेपर है वो सुनने की आवश्यकता, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, क्योंकि इसमें मैं लेकर आता हूँ संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार के अलावा कोई भी खबर नहीं लेकर आता हूँ। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार। इस प्रकार रहने वाले हैं। सुखाड़िया विश्वविद्यालय का 27वां दीक्षांत समारोह, बेटियों को मिले 65% गोल्ड मेडल, राज्यपाल बोले यह है राजलक्ष्मी। सेल्फ फाइनेंस की 15% सीटें बढ़ाने की मांग पर मंत्री ने दी मीठी गोली। सुखाड़िया विश्वविद्यालय छात्र नेताओं ने उच्च शिक्षा मंत्री को दिए ज्ञापन में कई आरोप लगाए। विद्यालयों में होंगे वार्षिकोत्सव व पुरस्कार वितरण समारोह, आदर्श व उत्कृष्ट विद्यालयों को क्रम से 10,000 या 5,000 रुपये जारी। उदयपुर CBSE 4 सप्ताह में सुधारे अंक तालिका में जन्मतिथि। हाईकोर्ट PTI भर्ती 2018 में अपात्रों का चयन क्यों, हाईकोर्ट। जयपुर स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा की तिथि बढ़ाने का मामला। पेट्रोल की बोतल लेकर टंकी पर चढ़ी छात्राएं देर रात तक डटी रही। जयपुर अभ्यर्थियों की हालत गंभीर। JLO परीक्षा के लिए नए प्रवेश पत्र जारी, RPSC 26 व 27 दिसंबर को होगी कनिष्ठ विधि अधिकारी परीक्षा। असिस्टेंट प्रोफेसर को हटाने पर रोक, RUHS से मांगा जवाब। जयपुर शिक्षा विभाग की ब्लॉक स्तरीय निष्पादन समिति की बैठक, अनूपगढ़ परीक्षा लेने की बजाय रैली में ले गया स्कूल प्रबंधन, 2 घंटे देरी से हुई परीक्षा। उदयपुर वाटी स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा की तिथि न बढ़ाने का विरोध, 50 फीट टंकी पर चढ़ी 5 लड़कियां धमकी, कूद जाएगी। जूनियर अकाउंटेंट भर्ती प्रार्थियों को TSP क्षेत्र में नियुक्ति दे हाईकोर्ट। PTI भर्ती मामले में सरकार को नोटिस, हाईकोर्ट ने PTI भर्ती 2018 के 4455 से अनियमितताएं जुड़े इस प्रमुख शिक्षा विभाग नियमों की आड़ में जन्मतिथि में सुधार से मना नहीं कर सकते। जयपुर सरकार पर DA की मार, पिछला दिया नहीं अब जनवरी से नया भी हो जाएगा बकाया। जयपुर 5% DA से सालाना 400 करोड़ का भार। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2004 ACD करेगी मामले की जांच, अजमेर। सरकार रीट की विज्ञप्ति जल्द जारी करे, राजस्थान राज्य अध्यापक पात्रता परीक्षा की विज्ञप्ति जल्द जारी करे, अजमेर। जूनियर लीगल ऑफिसर परीक्षा 2019 पूर्व की भर्ती परीक्षा 96 केंद्रों पर ही होगी, प्रदेश के 3 शहरों में आयोजन। 400 आयुष नर्सेज की वरीयता सूची जारी की, 32 दिनों से चल रहा था धरना समाप्त। आयुर्वेद विभाग आगामी बजट के लिए शिक्षाधारियों से मांगे सुझाव, बीकानेर। राज्यपाल मिश्र कल बांसवाड़ा आएंगे, 24 विद्यार्थियों को देंगे गोल्ड मेडल, GGTU दीक्षांत समारोह 23 को। सरकार स्कूल के संस्था प्रधान और शिक्षकों के वाद्य यंत्र खरीद, बना दिए बच्चों के हैंड बैंड, नवाचार। शिक्षकों सहित सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली को लेकर निकालेगी रैली आज डूंगरपुर।
अब वापस डाइट करवाएगा आठवीं की परीक्षा। डूंगरपुर, दसवीं और बारहवीं में अलग अलग हटकर उत्तर लिखने वाले को अधिक अंक मिलेंगे। CBSE, अब रेलवे को 964 सहायक लोको पायलट तकनीशियन मिलेंगे। चित्तौड़गढ़, मतदाता पुनरीक्षण, जो मतदाता संक्षिप्त पुनरीक्षण विशेष अभियान आ चित्तौड़गढ़। शिक्षक प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन किया निरीक्षण। CET परीक्षा आज, मिलिट्री स्कूल में देश भर में 1800 बच्चे होंगे शामिल। राकेश शर्मा स्टेडियम आज सुबह 7 बजे से प्रत्यक्ष देंगे एंट्री। धौलपुर, प्रथम वर्ष के विद्यार्थी 24 तक करें आवेदन। ब्रज विश्वविद्यालय प्रवेश का संशोधित कार्यक्रम जारी। भरतपुर, बैठक में गैर हाजिर रहने पर 16 संस्था प्रधानों को नोटिस। सूरजमल स्मृति समारोह की बैठक बुलाई थी। भरतपुर, इस बार बाल सभा सुनाई जाएगी महापुरुषों की गाथाएं। मध्यांतर में होगी सार्वजनिक स्थान पर बाल सभा। भरतपुर, पीतीसर बालिका स्कूल से हटेंगे 4 पुरुष। स्टेट ओपन स्कूल के 15 दिवसीय शिविर की उपस्थिति से मिलेंगे 10% सत्रांक। चुरू, NTA ने कहा कोर्ट के लिए डोमिसाइल जरूरी नहीं। नीट में ऑल इंडिया कोटे से चुन सकते हैं कोई भी राज्य। सिरोही, आदेश प्रत्याहरित नहीं करने पर आंदोलन होगा तेज। ओझा, तो दोस्तों ये थे आज के संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, और अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और पास में बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों ये जो वीडियो है इसका लिंक सभी अपने दोस्तों के व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप पर भी शेयर किया करें दोस्तों, क्योंकि उनको भी ये खबर मिल जाए तो सुबह सुबह अच्छी बात है ना। और दोस्तों इसे कह सकते हैं हम डेली रोजगार एक्सप्रेस। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना।